दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। फिर से वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा बच्चों से रिलेटेड। जो 5-6-7 साल तक के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको बात बताऊंगा एक सिरप के बारे में। ये आप देख सकते हैं एलकेम कोल्ड के नाम से सिरप आता है। इसकी फार्मूला, इसकी कंपनी, इसकी एमआरपी, इसकी डोज, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आपको इसके फार्मूलाज की। तो इसके अंदर सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल, ये तीन फार्मूलाज इसके अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं। हर 5 ml के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg होता है, फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg होता है, पैरासीटामोल जो होता है वो 125 mg होता है, 125 mg होता है। इसका सेम होता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30°C। 30°C से टेम्परेचर जहाँ हाई होगा वहाँ आपको इसको नहीं रखना है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको, इसमें वार्निंग लिखी रहती है साथ साथ कि टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल मे कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन। पैरासीटामोल की अगर आप डेली के हिसाब से डोज ज़्यादा लेंगे तो आपके ये लीवर पे दिक्कत दे सकता है और एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन क्या क्या होते हैं? स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ एंड थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इचिंग और रैश, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ अगर आप डोज ज़्यादा कर देते हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल आमतौर पर बच्चों का नाक बहना, खांसना, छींकना, आँखों से पानी आना, गले में छाले, शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के लिए किया जाता है। ये लक्षण तभी होते हैं जब बच्चा ज़्यादा पानी में भीग लेता है या बच्चे को ज़्यादा सर्दी का प्रॉब्लम तभी आती है जब बच्चा पानी में भीग ले या कोई मीठी चीज़ खा ले या टॉफ़ी जो आती है वो खा ले। इन चीज़ों की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं सारी, तो उसमें ये काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। बात करता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट निचली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह में सूखापन हो सकता है, सूखी नाक हो सकती है, चक्कर आ सकता है, सुस्ती हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, नींद में कठिनाई हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है और रैशेज जो मैंने आपको बताया वो हो सकते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार काम करता है। तो इसके अंदर पहले मैं बात करता हूँ, सिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक है जो केमिकल मैसेंजर को रोकता है और एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँखों से पानी आना और छींक से राहत देता है। और पैरासीटामोल जो है वो एक एनाल्जेसिक, दर्द निवारक जिसको बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाला जो होता है उसको पैरासीटामोल बोलते हैं। ये दिमाग में उन केमिकल मैसेंजर को निकालने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। तो ये हो गया इसके अपने अपने फ़ायदे। और इसके अब मैं बता देता हूँ, फिनाइलफ्रीन जो होता है वो जो सामान्य जुकाम के लक्षणों से राहत देता है। जो फिनाइलफ्रीन होता है वो सामान्य जुकाम के लक्षण जो होते हैं उससे राहत देता है। तो ये हो गए इनके अपने अपने अलग अलग फ़ायदे। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी कंपनी की। तो ये कंपनी एलकेम होती है, एक बेहतरीन ब्रांड रहती है हमेशा से, काफ़ी लंबे टाइम से हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही है। बात करता हूँ इसकी डोज़ की, तो आपको पैकिंग भी दिखा देता हूँ। इसकी डोज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डोज़ आपको क्या करना होता है कि अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल तक का है तो उसके लिए अलग ड्रॉप भी आते हैं, कोल्ड ड्रॉप भी आते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा सकते हैं और कहीं से भी आपको मिल जाएगा कोल्ड का ड्रॉप, आप अच्छा से ले लें। ड्रॉप आप तब इस्तेमाल करें जब बच्चा आपका 1 साल तक का होता है, तो आपको ड्रॉप इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर अगर आप बच्चे की थोड़ी एज है 2-3 साल तक, तो आपको क्या करना है कि ये 2.5 ml से लेके 5 ml के बीच में आपको देना है, ज़्यादा डोज नहीं करनी है। आप सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम दे सकते हैं। अब बच्चे को परहेज कराने वाली बात है, तो बच्चे को परहेज यही कराना, आप पानी में भीगने से बचा लें, चावल ना खिलाएं, उसको ठंडी चीज़ें ना खिलाएं, ठंडा पानी ना पिलाएं, मीठी चीज़ ना खिलाएं, टॉफ़ी वगैरह ना खिलाएं। ये तो हो गई इसकी डोज। आगे बात करता हूँ इसके MRP की। तो इसकी MRP 49 रुपये होती है। आपको हर मेडिकल स्टोर पर, हर डॉक्टर के पास आपको ये मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और बात करता हूँ ऑनलाइन परचेज़ करने की, तो आप अगर आप 1MG ऐप से आप उसको परचेज़ करते हैं तो ये आपको 41 रुपये के आसपास पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको काफ़ी हद तक समझा पाया हूँ। और अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फिलहाल अपने भाई को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।